ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की रेनबो फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस रेनबो फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस मैंने आप सभी के लिए एक सेकंड चैनल बनाया जिसमें कि गाइस मैं आप सभी को YouTube एंड Instagram में ग्रो करने का टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूं। तो गाइस अगर आप में से कोई भाई इंटरेस्टेड हो तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो को देख इस वाली वीडियो को देखने के बाद जाकर इस चैनल पर जाकर विजिट जरूर करना। अगर आपको लगे वो चैनल हेल्पफुल है तो गाइस आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। तो बाकी यार अभी तक आप सभी ने अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गाइस आप सभी को सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको उसको पिक्सआर्ट में ओपन करना है। देन गाइस जाना आप सभी को ऐड फोटो में। एंड गाइस यहां से ऐड करना आपको अपने मॉडल को, ठीक है। मॉडल को ऐड करने के बाद गाइस आपको साइज कुछ इस टाइप से ऐसे रख लेना है, ठीक है। आप साइज जितना चाहो उतना रख सकते हो, अदरवाइज आप क्रॉप करके भी अपने साइज को मैनेज कर सकते हो। एंड गाइस जो आपके जो मॉडल का जो रोटेट करना आपको इस पोजीशन में रखना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको कुछ इस टाइप से ऐसे यहाँ पे रख देना अपने मॉडल को। देन गाइस आपको यहाँ पे अपने मॉडल करना है एक डुप्लीकेट, ठीक है। फिर उसके बाद आपको उस डुप्लीकेट को यहाँ से लेके जाना गाइस आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन में। इफेक्ट वाला ऑप्शन में ले जाने के बाद गाइस आपको जाना है कलर्स वाले ऑप्शन में। आपको यहाँ पे कलर्स वाला ऑप्शन दिख जाएगा, आपको जाना है यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट में। आपको इसका अमाउंट जीरो कर देना है, देन आपको उसको कर देना है मर्ज। फिर आपको नेगेटिव वाला ऑप्शन ले लेना है, फिर आपको अगेन मर्ज कर देना है। फिर जाना आपको कलराइज में, आपको गाइस यहाँ से ढूंढना आपको येलो कलर, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली कर देना है डन। अब गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले तो गाइस इसकी पोजीशन जो है आपको एकदम अच्छे से देख लेनी है कि एकदम अच्छे पोजीशन में है कि नहीं, मतलब कि सेम जो मॉडल है आपका। फिर आपको रिजल्ट रूम में जाकर आपको उसकी हार्डनेस बिल्कुल फुल कर देना है। एंड जो साइज होगा इसका एकदम जीरो कर देना है, जीरो मतलब कि वन तक रहने देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फोटो को जूम करना है। एंड गाइस आपको साइड में एक रिम लाइट ऐसे क्रिएट करनी है, ठीक है। तो गाइस मैंने तो यहाँ पे वीडियो को ना तो फास्ट कर रखा था कि आपको जो टाइम है ना वेस्ट ना हो, बट आप लोगों को जो है गाइस आराम से करना है एकदम, ठीक है। टाइम देगा अच्छे से तभी गाइस ये अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जब आप रिम लाइट क्रिएट कर लोगे तब गाइस आप सभी को फिर क्या करना है, आपको सेम ऐसे ही एक और डुप्लीकेट बनाना है। मतलब कि आपको जो अभी मैं बताऊंगा आगे क्या करना है, आपको सेम ऐसे डुप्लीकेट एक और ऐसी लेयर बनानी है। अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। ये हमारा हो गया यहाँ पे तक, ठीक है। तो इसको हम अभी यहाँ पे आके कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे फील कर लेते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे परफेक्ट है, ठीक है। तो अभी इसको हम यहाँ पे करते हैं डन, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे डन कर लेते हैं। अब गाइस आपको यहाँ पे इसका एक करना है डुप्लीकेट, ठीक है, इसी का ही। एंड इसको आपको सेम वैसे साइज में रखना है। फिर आपको जाना है रिजल्ट रूल में, आपको ब्रश लेना है साइज एंड हार्डनेस फुल करके आपको उसको पहले पूरा फील कर देना है, ठीक है। फिर आपको उसको यहाँ पे करना है इन्वर्ट। अब यहाँ पे आपको यहीं पे इन्वर्ट कर देना है इसका। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे इसको ब्रश लेना है, आपको गाइस यहाँ पे साइज को छोटा करना पहले तो। एंड इसका जो ओपेसिटी हार्डनेस है ना ये कम कर लेना है। फिर साइज थोड़ा अपने अकॉर्डिंग रख के आपको गाइस कुछ इस टाइप से पेंट करना है फेस के ऊपर। मतलब कि गाइस ये जो आपको जो आपका जो रेनबो है ना यहाँ पे आपको जो सामने उसका जो इफेक्ट आपके फेस के ऊपर पड़ रहा है, आपको इससे एक रियलिस्टिक लुक दिखाना है इससे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको इसी टाइप से एकदम अच्छे तरीके से आराम आराम से वेट मतलब कि टाइम देके अच्छे से करना है, ठीक है। यहाँ पे गाइस मैंने आपको थोड़ा मतलब वीडियो भी फास्ट करके ना, क्योंकि यार मैं आपका ज़्यादा टाइम तो वेस्ट कर नहीं सकता, तो इसलिए मैंने गाइस यहाँ पे थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। फिर गाइस इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, देख लीजिए गाइस यहाँ पे हमने कर लिया एकदम अच्छे से, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, इसकी ओपेसिटी अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप यहाँ पे थोड़ी कम कर लेना। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना, अभी डन नहीं करना है, आपको जाना ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ पे आपको मिलेगा शेडो का पीएनजी, ठीक है। आपको गाइस सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग डाउनलोड कर लेना आराम से वीडियो को देखने के बाद। फिर उसके बाद गाइस आपको ये पीएनजी रखने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको गाइस कुछ स्टेप्स इसका साइज रख के आपको यहाँ पे इसका आपको मूव डाउन कर देना है पहले तो, ठीक है। इसको यहाँ पे रखने के बाद फिर गाइस आपको जो चार पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको सिंपली जो ये पॉइंट्स है इसको आपको ऐसे पकड़ के ऐसे इसको छोड़ा सा करना है थोड़ा, ठीक है। एंड उसके बाद आपको इसको रख देना है अपने मॉडल के नीचे तरीके से परफेक्ट तरीके से, ठीक है। अभी गाइस जो ये शेडो है ना हमारे इस मॉडल के पैरों के पास नहीं आए, तो हम इसका डुप्लीकेट करके हम इसको सिंपली यहाँ पे इधर इस तरीके से लगा लेंगे, ठीक है। अगर आप भी चाहो तो ऐसे तरीके से लगा सकते हो, और उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली कर देना है अब डन, ठीक है। अब जाना गाइस आपको ऐड फोटो में दोबारा। अब गाइस यहाँ पे आपको ऐड करना है विगिनेट का पीएनजी। आपको गाइस इसको ऐड करने के बाद आपको कुछ स्टेप से इसका साइज रखना है कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, वापस व्यू कर देना है सिंपली डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डन, ओके। सो उसके बाद आपको यहाँ पे गाइस जाना दोबारा ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ से आप सभी को ऐड करना है गाइस ये पार्टिकल के पीएनजी। फिर आपको यहाँ पे इसको स्क्रीन कर देना है ब्लेंडिंग मोड। एंड इसका साइज इंक्रीज करके कुछ स्टेप से ऐसे रख देना है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे गाइस जाना है यहाँ से इरेजर टूल में। आपको गाइस थोड़ा सा एरिया जो है बॉडी के ऊपर जो आ रहा है उसको हल्का हल्का यहाँ पे इरेज कर लेना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ऊपर से भी थोड़ा इरेज कर लेना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे फिर क्या करना, आपको यहाँ पे सिंपली कर देना है इसकी ओपेसिटी कम करके। एंड यहाँ पे आपको डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको कर देना है डन, ठीक है। अब गाइस जितना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको अपनी इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है। एंड गाइस इसको लेकर चलना है आपको लाइट रूम ऐप में, ठीक है। यहाँ से आप सभी को लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना, आपको जाना है इस लाइट वाला ऑप्शन में। आपको इसका थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कम कर देना है,
एंड जो यहाँ पे हाईलाइट है गाइस इसको थोड़ा कम करना है, एंड जो गाइस यहाँ पे शेडो है इसको भी थोड़ा कम कर देना है, फिर आपको यहाँ पे मिलेगा व्हाइट गाइस आप इसको भी थोड़ा कम कर देना है, एंड जो गाइस यहाँ ब्लैक है गाइस इसको भी थोड़ा कम कर देना है, फिर आपको जाना कलर्स वाला ऑप्शन में आपको उसकी वाइब्रेशन बढ़ा देना है, टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देना है, एंड गाइस उसके बाद आपको जाना कलर मिक्स में, यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस करना है, एंड गाइस आपको जाना येलो कलर में, और उसके बाद आपको इसका ह्यू जो है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, ठीक है, फिर आपको उसका सैचुरेशन थोड़ा इंक्रीज कर देना है, एंड उसके बाद आपको जाना है डार्क ब्लू में, आपको गाइस इसका जो ह्यू है आप इसको कोई से भी कलर स्काई ब्लू डार्क ब्लू कोई से भी कलर में रख सकते हो, ठीक है, फिर आपको ग्रीन कलर में जाना, आपको उसको डार्क ग्रीन एंड लाइट ग्रीन आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, फिर आपको सिंपली कर देना है डन। अब गाइस आपको जाना है नीचे वाले टूल में, यहाँ पे आपको फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज कर देनी है आपको गाइस, ठीक है इतना, एंड उसके बाद आपको फोटो में डालना है विग्नेट, अपने अकॉर्डिंग डालना है विग्नेट, ठीक है, एंड उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना, आपको मिला ग्रेन माउंट आपको उसको बढ़ा देना है, फिर आपको जाना है गाइस नीचे वाले टूल में, आपको गाइस यहाँ पे फोटो की जो शार्पनेस आपको उसको इंक्रीज कर देना है, एंड गाइस के नीचे मिलेगा आपको नोड रिडक्शन आपको उसको बढ़ा देना है, एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोड रिडक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली देख सकते हैं हमारी फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है, तो गाइस आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो चलिए गाइस मिलता हूँ आप सभी से किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।